हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और डिजाइनर बैक नेक डिजाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। और ये डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप इसे जरूर से ट्राई करें। बैक पार्ट की कटिंग हमने लाइनिंग पीस पे कर ली है और मैन फैब्रिक पर। इसमें हमारे फुल शोल्डर 15 इंच थे, तो उसका हमने हाफ लिया है 7.5, और आर्म होल हमने 36 साइज के अकॉर्डिंग 7 इंच का लिया है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्म होल लें। और ये ब्लाउज में हमें रेडी शोल्डर स्ट्रिप 2.25 की चाहिए, तो हमने उसमें 1 इंच प्लस करके 3.25 पे मार्क किया है। इसी तरह से आपको भी जितनी भी शोल्डर स्ट्रिप रखनी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके मार्क करें। और चेस्ट के लिए यहाँ पे हमने 36 का फोर्थ पार्ट लिया है 9 इंच और 0.25 की लूजिंग दी है। और वेस्ट हमारी 30 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट लिया है 7.5 इंच, और वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। और मार्जिन हमने 2 इंच का रखा है। अब लेंथ के लिए हमारी जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है। तो हमारी रेडी लेंथ 14 इंच की है, तो उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 16 इंच की लेंथ ली है। अब ऊपर साइड से हमने बॉटनेक शेप ड्रॉ किया है, इसकी विड्थ हमने 4.25 की रखी है और बॉटनेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। रेडी बेल्ट हमें 2.5 का रखना है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 3.5 पे मार्क करेंगे। इस तरह से बैक पार्ट के नीचे साइड से हम 3.5 पे दोनों साइड पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। बेल्ट के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि बेल्ट के दोनों साइड में स्टिचिंग मार्जिन जाएगा हाफ इंच का। तो अब हमें बेल्ट वाली मार्किंग के ऊपर हाफ इंच की मार्किंग करनी है। हाफ इंच की मार्किंग करके इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो हाफ इंच वाली लाइन के ऊपर साइड से ही करेंगे। तो बोट नेक गले की चौड़ाई हमने 4.25 की रखी थी, तो नीचे साइड भी हम 4.25 की रखेंगे। अगर आपको नीचे साइड से गला ज्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो आप ये कम भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 4.25 की मार्किंग कर ली है। अब ऊपर वाली नेक की मार्किंग से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये लाइन का हम सेंटर मार्क करेंगे। अब ये सेंटर मार्क को हमें ऊपर बोट नेक वाले शेप से मिला देना है। इस तरह से हल्का सा राउंड नेक का शेप देते हुए मिलाएंगे और बोट नेक के नीचे से हाफ इंच का गैप रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डोरी अटैच करनी है, तो स्टिचिंग मार्जिन के लिए हाफ इंच रखेंगे। अब इस तरह से सेंटर वाली लाइन से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। बेल्ट के ऊपर वाली लाइन तक हम ये शेप ड्रॉ करेंगे। तो नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अभी मार्किंग पर कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट वाली लाइन को एज इट इज कट करेंगे। बेल्ट कट करने के बाद पूरे नेक को कट कर लेंगे। तो बैक नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब इसे एज इट इज हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से ओपन करने के बाद मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को पिन से सेट करते हुए रख लेंगे। तो बेल्ट हमको 2.5 इंच का रेडी चाहिए, तो बेल्ट के दोनों साइड पे हमें 1/2 इंच की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से हमने ऊपर साइड पे 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली है, इससे हमारा परफेक्ट 2.5 इंच का बेल्ट रेडी होगा। अब ये लाइन के ऊपर ही हम स्टिच करेंगे। एक साइड पे स्टिच लगा लिया, इसी तरह से दूसरे साइड भी स्टिच लगा लेंगे। तो बेल्ट को हमने दोनों साइड से स्टिच कर दिया है। अब यहाँ अंदर साइड से हम इसको पलट देंगे। इस तरह से पूरे बेल्ट को पलटने के बाद इसमें हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद बेल्ट के दोनों साइड से लॉक कर देंगे स्टिच लगा के। तो बेल्ट बन के रेडी हो गया है, अब हम नेक वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो नेक के लिए हम डबल फोल्ड में कैनवास पेपर लेंगे और कैनवास पेपर के ऊपर लाइनिंग पार्ट को रख के एज इट इज हमें पूरा नेक ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से नेक ड्रॉ करने के बाद एज इट इज हमें वैसे ही शेप ड्रॉ कर लेना है 1 इंच के गैप पे। अब कैनवास पेपर को हम कट कर लेंगे मार्किंग पर। तो कैनवास पेपर पूरा कट हो गया है, अब इसे हम लाइनिंग पीस के नेक में सेट करते हुए रखेंगे और पूरे में प्रेस लगा के अटैच कर लेंगे कैनवास पेपर को। तो कैनवास पेपर को हमने अटैच कर लिया है, अब हम मैन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग पीस को रखेंगे।
और नेक को पिन से अच्छे से अटैच कर लेंगे मैन फैब्रिक से। अब पूरे नेक में हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ बोटनेक के सेंटर पर हम डोरी अटैच करेंगे, तो सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। अब डोरी को हम इस तरह से कॉर्नर के नीचे रखेंगे और डोरी को अटैच करते हुए हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाते जाएंगे। अब सेम इसी तरह से दूसरे साइड पे भी नेक में स्टिच लगा लेंगे हाफ इंच के गैप पे। बोटनेक की ये वाले कॉर्नर पे भी हम अंदर साइड से अटैच करेंगे डोरी को। तो अस्तर के नीचे कॉर्नर पे इस तरह से डोरी को रखेंगे और ऊपर साइड से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। पूरे नेक में हमने स्टिच लगा ली है। अब पिंस निकाल के सेंटर में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो पहले हम बेल्ट को नेक के ऊपर रख के दोनों साइड वाले नेक की मार्किंग कर लेंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि हमें यहाँ से नेक ज्वाइंट करना है। इस तरह से जहाँ स्टिच लगाई है वहाँ पे दोनों साइड पे मार्क कर लेंगे। अब सेंटर का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। अब ये कॉर्नर कॉर्नर पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से हमने पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लिए, जिससे अस्तर फिनिशिंग के साथ पीछे पलट जाएगा। तो अब पूरे अस्तर को हम पीछे पलट देंगे और डोरी को खींचते हुए कॉर्नर से हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरे साइड के नेक को भी पलट दिया है और दोनों के नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब ये नेक के चारों साइड में स्टिच लगा के अस्तर को अटैच कर लेंगे मैन फैब्रिक से। चारों साइड में स्टिच लगा के अस्तर को अटैच कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब नेक में मैं ये पतली सी डोरी अटैच कर रही हूँ, जिससे नेक डिजाइन का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। कॉर्नर साइड से लेस को फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक में लेस अटैच हो गई है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी लेस को अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है, तो नेक के नीचे साइड पे हमने हाफ इंच का गैप रखा था, तो यहाँ हम हाफ इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बेल्ट को हमें ये लाइन के ऊपर जमाते हुए स्टिच लगाते जाना है। और बेल्ट पे हमने नेक की मार्किंग की थी, तो मार्किंग से ही हम नेक को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से स्टिच लगा के दोनों साइड पे बेल्ट को अटैच कर लेंगे। बेल्ट अटैच हो गया है। अब बेल्ट के ऊपर मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ। तो बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है और बैकनेक डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज, आपको ये बैकनेक डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये डिजाइनर ब्लाउज में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनर स्लीव्स अटैच की हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।